राइट, तो सबसे पहले आपको ले लेने हैं 2 ग्लासेस, जिसमें आपको 3/4 पानी भर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा वो है चावल का आटा, मतलब राइस फ्लावर। आप चाहें तो ये घर पे भी बना सकते हैं, सिंपल चावलों को पीस लेना है आपने, दैट्स इट। यहाँ पे मैं 1 ग्लास में अराउंड 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ चावल का आटा, ऑलमोस्ट आप देखेंगे थोड़ा सा फूली होगा, तो आप 1 से 1.25 टेबल स्पून उसमें ऐड कर दीजिए और इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ताकि जो चावल का आटा है वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए, कुछ इस तरीके से। एंड दैट्स अबाउट इट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। यहाँ पे आपको सबसे पहले लेना है रोज वाटर, आपने यहाँ पे थोड़ा सा रोज वाटर ऐड कर देना है 2 ग्लास में। ध्यान रखिएगा पिक्चर थोड़ी सी ब्लर हो गई थी, सो थोड़ा सा रोज वाटर ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे यूज करना है वो है एलोवेरा जेल। यहाँ पे आप आपका फेवरेट एलोवेरा जेल कोई सा भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे वाओ का इस्तेमाल करने वाली हूँ। सो यहाँ पे मैं अराउंड 3 से 4 ड्रॉप्स वाओ एलोवेरा जेल के डाल रही हूँ। आप चाहें तो नेचुरल प्लांट वाला भी एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब एलोवेरा जेल और रोज वाटर अच्छे से मिक्स हो जाए, और जब इन दोनों ग्लासेस को आपने आइस क्यूब जमाने के लिए आइस ट्रे में रखने जाएं, उससे पहले एक बार राइस वाले ग्लास को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, वरना राइस जो होता है, राइस वाला पाउडर, वो बिल्कुल नीचे जम जाता है और ऊपर सिर्फ आइस बनी रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो छोटी सी घरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रे होती है उसका इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे मैंने हाफ साइड में राइस क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे इनको फिल कर रही हूँ, और हाफ साइड में मैं यूज करूंगी एलोवेरा के क्यूब, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो इनको अच्छे से फिल कर लीजिए और इनको जमाने के लिए रख दीजिए फ्रीजर में, और यहाँ पे आपने देना है अराउंड 2 से 2.25 घंटा। अप्रोक्सीमेटली आपने 2 घंटा तो इनको छोड़ना ही है, और उसके बाद में ये जो आइस क्यूब्स होंगे वो बिल्कुल रेडी होंगे और कुछ इस तरीके से ये दिखेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये जम चुके हैं, और अब हमें स्टार्ट करना है इनका एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये राइस क्यूब से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगर मैं बात करूं आइस क्यूब मसाज की, तो इसको रब करने से आपकी स्किन पे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, और ये आपकी स्किन पे नेचुरली ग्लो ऐड करता है। अगर बात करी जाए स्पेसिफिकली राइस पाउडर की, तो ये काफ़ी अच्छा एक इंग्रेडिएंट है जिसे हम स्क्रब की तरह इस्तेमाल करते हैं, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी मैंशन किया हुआ है। राइस पाउडर में होते हैं काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स और विटामिन्स, जो कि नेचुरली हमारे स्किन को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। और अगर हम बात करें, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका एज अ आइस क्यूब, तो ये इक्वली हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उनको श्रिंक करने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें फर्मनेस की हमारे स्किन पे, उसको भी ये मेंटेन करता है, और हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव करता है। अगर हम बात करें राइस पाउडर की, ये काफ़ी अच्छे से हमारे जो स्किन के ब्लेमिशेस होते हैं और डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको भी कम करने में हेल्प करता है। क्योंकि अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एलोवेरा क्यूब का, थोड़ा सा पर्दा इसके बेनिफिट्स पर से भी उतार देते हैं। यहाँ पे इसमें होती है काफ़ी सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एजेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को रिपेयर और रिजुवनेट करने में काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। देखा जाए तो अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आपको डायरेक्टली आइस क्यूब रब नहीं करना है आपके फेस पे, आप बिल्कुल एक पतला सा थिन कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसमें रैप करके आपने अपने फेस पे अलाउ करना है इसको लगाना। उसके बाद में 1 से 1.25 मिनट तक इसको मसाज देना है, उसके बाद में पैट ड्राई कर लेना है आपका फेस नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद में। आपको इस मेथड को यूज करना है सिर्फ और सिर्फ दिन में एक बार, और एक ही आइस क्यूब आपने रब करना है, सारे नहीं करने हैं। आप प्लीज इस रेमेडी को ट्राई करिएगा, और आपका जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। एंड आई विल सी यू सुपर सुपर सून विद माय न्यू वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर, बाय, एंड आई लव यू ऑल सो मच।